ये देख सकते हैं आप, ये है अपनी पुरानी मार्केट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पुरानी बाज़ार। तो ये गली जो जा रही है, सीधे जा रही है हमारे टैक्सी स्टैंड में, और बस यही कहना है मैंने अपनी सामान्य जनता से कि जो भी कूड़ा होता है भाई वो कूड़ेदान के अंदर ही फेंकें। तो मैं लिए चलता हूँ आपको उसी जगह पर जहाँ पर सारा कूड़ा इन्वेस्ट किया जाता है। सो गाइज, मैं लिए चलता हूँ फिर आपको उसी जगह पे जहाँ पर, मतलब जो है कि भाई एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वड्डा की जो पूरी गंदगी होती है ना दोस्तों, भाई वहाँ पर ही फेंकी जाती है। ये अभी पहुंच चुका हूं फिर उसी जगह पे जहां पर जो है कि देख सकते हैं आप हमारे जो सुहागुट के प्रधान जी ना, श्री राकेश कुमार जी, तो भाई उन्होंने काफ़ी जो है कि मेहनत के साथ, और कहते हैं ना कि यार सरकार से भाई मतलब जबरन ये चीज़ अप्लाई की थी कि यहां पर वड्डा सिटी में जो है कि मतलब कूड़ेदान के लिए और शौचालय बनाया जाए, तो इसी के अंदर जो है कि कूड़ा निस्तारण किया जाए जितना भी हो सकता है। तो फिर भी यार जो हमारी जनता है वो कहीं ना कहीं मतलब भाई इस चीज़ पर गौर नहीं करती है। ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि मुझे ये लगता है पर्सनली कि भाई आप कूड़ा तो डालते हैं, ठीक है, आप कूड़ा बाहर डाल देते हैं, जो ये टीन शेड बने इसके अंदर ना डालने के बाद भी आप कूड़े को बाहर यूँ ही फैला देते हैं। बट जब कोई बाहर का व्यक्ति वड्डा में प्रवेश करता है, ठीक है ना, तो जो उसके मन में एक फीलिंग आती है ना दोस्तों, बहुत ही गंदी सी फीलिंग आती है, बैड फीलिंग, यानी कि वो यही कहता है कि यार मतलब कितनी गंदगी है यहाँ, यहाँ के लोग कैसे हैं, तो क्या ये लोग बीमार नहीं होते होंगे इस कूड़े से। एग्जैक्टली दोस्तों बीमार होते हैं वो, क्योंकि इसी कूड़े से हैजा, पीलिया और अनेकों प्रकार की घातक बीमारियाँ पैदा होती हैं, जो हमारी श्वास नली से जाते हुए हमारे फेफड़ों को डैमेज करती है। तो कहीं ना कहीं यार दोस्तों हमारी भी कमी है, ठीक है ना। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो प्रधान जी ने ये चीज़ें बनाई हैं, भाई आप देख ही सकते हैं हर चीज़ बनाई है यहाँ पर, कूड़ा भंडारण भी बनाया गया है, आप इसके अंदर ही कूड़े को फेंकें, और टॉयलेट के लिए भी आप देख ही सकते हैं भाई पक्के लेटरिंग हो गई आपकी, टॉयलेट हो गई, उसका निर्माण यहाँ पर कराया है। बट फिर भी कहीं ना कहीं यार दोस्तों जो मतलब युवक हैं, जो हमारी जनता है, तो उन्होंने ये समझना चाहिए कि यार हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि इतनी अच्छी फैसिलिटी हमारे प्रधान जी की तरफ से अगर हमें दी गई है तो क्यों ना हम उसका लाभ उठाएँ। तो कहीं ना कहीं भैया हमने जागरूक होना है और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सो गाइज, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो ये कूड़े के लिए बना रखे हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि स्वच्छ वड्डा सुहागुट, और यहाँ पर लिखा है मनरेगा आई है, गांव में खुशहाली लाई है, ठीक है ना। तो जैविक कूड़ादान, कूड़े को कूड़ेदान में डालें, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो हमें अच्छी लगती है दोस्तों, ठीक है ना, ये चीज़ हमें बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ये चीज़ फील भी करनी चाहिए कि अगर ये कूड़ा जो आप देख सकते हैं कि इसको होना चाहिए इसके भीतर, ठीक है ना, इसके अंदर होना चाहिए, बट ये कहाँ फैला है रोड में। तो यार कहीं ना कहीं यार हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं अगर देखा जाए तो, इससे हमारा वड्डा ही तो प्रदूषित हो रहा है यार, और बीमारियाँ भी तो शायद हमें ही झेलनी पड़ेंगी ना। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो जो ये आप अभी क्लीन देख रहे हैं ना, इतनी सफाई एग्जैक्टली ये थी नहीं, ये हमारे प्रधान जी की तरफ से ही जो है कि भाई उनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाई है, उन्होंने पर्सनली अपना बंदा लगाकर इस जगह की सफाई करवाई, और आप देख ही सकते हैं अभी कितना स्वच्छ लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बट मुझे यही नहीं लगता है कि एक हफ्ते के बाद अगर मैं यहाँ शूट करने आऊँगा तो क्या इतनी यहाँ पर सफाई रहेगी कि दोस्तों, मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि भाई जनता
एक्चुअल क्या है ना, उसको समझना है कि कहीं ना कहीं इस बीमारी को भाई हम मोल ले रहे हैं जान पूछ कर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? दीपक। दीपक, तो आप यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं? ये नाली बना रहे हैं सर। अच्छा, नाली बना रहे हैं। तो ये किसके थ्रू बनाई जा रही है? प्रधान जी। नाम उनका? राकेश। कौन सी ग्राम सभा उनकी? आई थिंक सुबाकोट है, आप बोल चुके हैं। तो गाइज, मैं यही कहना चाहूँ कि भाई राकेश प्रधान जी की तरफ से यहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्य निभाया जा रहा है, तो ये नाली बनाने का कोई खास कारण? हम क्या रहे हो रहा है रोडों में, यानी कि एक तरह से कही जाए तो जनता के हित के लिए कहीं ना कहीं कार्य किया जा रहा है। हाँ। सो बहुत बढ़िया। तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी नाली? बस कल परसों तैयार हो जाएगी, मतलब दो दिन में हो जाएगी तैयार। तो आपको अच्छा लग रहा है ये शुभ कार्य करते हुए? हाँ। आप देख ही सकते हैं भाई, अपना भाई यहाँ पर मेहनत कर रहा है और ड्रिल मशीन से यहाँ पर जो है कि नाली बनाई जा रही है। और हमें थैंक यू बोलना चाहिए यार, एक अच्छा नागरिक होने का एक उदाहरण हमें ये भी देना चाहिए अपने प्रधान जी को कि भाई उनकी वजह से ही मतलब ये काम किया जा रहा है यहाँ पर, अन्यथा यहाँ पर इतनी मतलब बदबू आया करती थी कि दोस्तों शायद मतलब नाक बंद करके यहाँ पर से आदमी क्रॉस करता था ये रोड। तो हमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत लगती थी, बट अगर वो ये अच्छा प्रयास कर रहे तो हम सब उनके साथ हैं। क्यों, क्या कहना चाहेंगे आप? रास्ता साफ करवा रहे हैं, यहाँ से हम पानी बनने हमारी माता या बहने पानी बनने जाती है तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता था जब कीचड़ हुआ करता था और जो पूरी कीचड़ से गंदगी हो जाती थी, तो अब हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप कितनी दुकान से मतलब लगभग दुकान तो आपकी मतलब ऐसी जगह की मतलब अभी तक शायद प्रचार नहीं हुआ है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कितने महीनों से आप यहाँ पर कार्यरत है? मैं 2 महीनों से यहाँ पर कार्यरत। अच्छा, 2 महीनों से? तो 2 महीने पहले आपने देखा होगा काफ़ी गंदगी हुआ था। हाँ, बहुत ही ज़्यादा गंदगी। अच्छा। ये रोड में मतलब बहुत ही बदबू देख के आती थी, आप पूरा रोड में पूरा फैसे रहते थे। तो आपका यहाँ पर बैठा तो दुबर हो गया होगा? हाँ, बहुत ही ज़्यादा बदबू आती थी। फिर भी आप झेलते थे? हाँ, क्योंकि वही रोज का सवाल है। बिल्कुल गाइस, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए कुछ अच्छाई बहुतों के लिए सबक होती है, जैसा कि हमारे प्रधान जी की तरफ से आज ये कार्य किया जा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं उससे हम खुशी हैं। हाँ, खुशी है, प्रधान जी द्वारा ये साफ किया जा रहा है तो हम बहुत खुशी है हमारे मन में, और हम अगली बार कोशिश करेंगे कि ये भी यही प्रधान मंदिर। तो आपकी जो दुकान ये प्रेशर की है मतलब, इसमें क्या क्या धोते हैं आप? मतलब गाड़ी धोते हैं, टू व्हीलर मतलब? फोर व्हीलर सब। अच्छा, सब। और उसका फीस क्या रहता है? उसका फीस है बाइक का 50 रुपये जी, और कार का है 100 रुपये। सो गाइज, बाइक का यहाँ पर ये लेते हैं अमन सर हमारे 50 रुपये यानी 50 रुपीज़, और कार का 100 रुपये। कार का दोस्तों 100 रुपये। अगर जैसे वैक्यूम किया जाए कार में तो? वैक्यूम किया जाए तो 200 रुपये। सो गाइज, अगर वैक्यूम आप कराते हैं पॉलिश करके देंगे तो 200 रुपये। हाँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी वॉश करने यहाँ पर आए थे अपने टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। तो भाई उनका यही कहना था कि अमन जो हमारे छोटे भाई हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट वो देते हैं। सो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार विजिट ज़रूर करिए इनकी शॉप पे। तो आप अगर कुछ बताना चाहें कि कहाँ पर आपकी शॉप पड़ती है, कौन सी मार्केट? ये हमारी शॉप पुरानी मार्केट वड्डा से नीचे पोस्ट ऑफिस वाली रोड के वहाँ पड़ती है जी, बाएँ हाथ के साइड आप देख सकते हैं रोड जी, और हमारी दुकान आपको दिख जाएगी। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए जब तक किसी चीज़ का प्रचार नहीं होता तब तक उस चीज़ पर विचार नहीं होता। तो एग्जैक्टली मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार अपने छोटे भाई को सेवा का अवसर जरूर दें, इनकी शॉप पे आप आइए, विजिट करिए, और जो इनका आचरण है भाई साहब, इनका मतलब जो नेचर है, मैं आपको यकीनन कहूँगा एकदम फ्रेंडली नेचर है, और जो इनकी मेहनत है भाई साहब, वो काबिल तारीफ है। और इतनी सी छोटी सी उम्र में भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो इनको मेरी तरफ से हैट्स। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो आपकी दुकान है वो आगे जो है कि आप बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। और मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगा कि दोस्तों अपनी गाड़ी धोने के लिए अपने अमन भाई के पास जरूर आइए। थैंक यू भैया। गाइस, आपने कितनी मतलब गंदगी होती थी पहले, बट अभी मतलब जिस हिसाब से हमारे प्रधान ने यहाँ पर सफाई करवाई है, तो ये भाई एक अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है। बट कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना पड़ेगा दोस्तों कि हमारा भी फर्ज है। आपको पता है जब यहाँ पर कचरा था तो जो भी लोग जाते थे उनका ना पानी भर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें हमारे भाई लोग,
उछलने का मतलब जो रास्ता था वो इतना गंदा था, इतनी घास आती थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने घरों से जो कचरा निकलता है हमारे घरों से उसको डायरेक्ट रोड पर ना फेंकें, जो बनवाया है ठीक है ना, कचरा घर आपने देखा है उसके अंदर आप डालें, तो शायद आपका फर्ज भी बढ़िया तरीके से आप निभा पाओगे। तो ठीक है, फिर हम प्रधान जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आप भी अपना फर्ज अच्छी तरह निभाएं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।